चलिए मेरे साथ भारत के एक ऐतिहासिक शहर के सफर में, जहां पतली तंग गलियों से लेके राजसीय महलों तक का सफर है। ये परंपराओं का संपन्न संस्कृति तो परंपरागत हस्तशिल्प में महारथी भी। दिस कैप्टिवेटिंग सिटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू करेज एंड होप आफ्टर द 2001 अर्थक्वेक डिजास्टर। सिचुएटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वेलकम टू भुज। तो चलिए भुज के सफर की शुरुआत हम रॉयल्टी से करते हैं और चलते हैं प्राग महल। सो गाइस, वी आर हियर इन द प्राग महल। अगर आप भुज में हो तो प्राग महल बिना देखे रह ही नहीं सकते हो। इट्स दैट ब्यूटीफुल। सो ये भुज के महाराजा का महल है एंड दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इसका रेस्टोरेशन हुआ था, इसको दोबारा से रिबिल्ड किया था, बट लेट्स गो एंड चेक आउट दिस ब्यूटीफुल पैलेस। कम विद मी। ये 19वीं सदी का महल राव प्रागमल जी द्वितीय के नाम पे रखा गया है। प्राग महल वॉज डिजाइंड बाय हेनरी क्लेयर विल्किंस इन एन इटालियन गॉथिक स्टाइल। इस महल को बनने में 14 साल लगे और 1879 में केवल 31 लाख रुपए में ये पूरा महल बनके तैयार हुआ। दिस पैलेस हैज सम नोटेबल फीचर्स जैसे दरबार हॉल और वहाँ पे लगे शैंडिलियर्स, बड़े बड़े पिलर्स और स्टैचूज। ऐसा लगता है जैसे यूरोप के किसी बिल्डिंग के अंदर हो। यहाँ का मेन हॉल में पुराने फोटोज, पेंटिंग्स, पालकीज और बहुत सारे रॉयल एंटीक्स देखने को मिलते हैं। और हाँ, 45 फुट हाइट का एक क्लॉक टावर भी है जहाँ से पूरा भुज शहर दिखता है। Isn't that incredible? गाइज, हमने ये पराग महल देखा एंड आईना महल भी देखा। तो आईना महल जो है वो पराग महल के बिल्कुल बगल में ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है। बट येस, यू कैन क्लिक पिक्चर्स एंड पिक्चर्स में यू कैन जस्ट पे लाइक 100 rupees एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स, बट यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। तो आईना महल क्या है, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड जो राजा के पुराने सामान हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सो यू नो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक वहाँ पे उनका गोल्डन बेड है, वहाँ पे हीरे एंड पन्ना से जड़े हुए उनके तलवार रखे हुए हैं। सो यू कैन सी लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट एंड अमेजिंग स्टफ। सो इफ़ यू आर लिटरली फॉन्ड ऑफ यू नो लाइक सीइंग हिस्ट्री स्टफ्स एंड सीइंग ऑल दीज रॉयल एंटीक्स एंड ऑल, यू शुड डेफिनेटली विजिट द आईना महल। रेस्ट, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। एंड नाउ हेडिंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सो कम विद मी। So guys, here we are at the Kutch Museum. Kutch Museum is the oldest museum of Gujarat, founded in 1877 by Maharao Khengarji. ये म्यूजियम दर्शाता है कच्छ के गौरवशाली इतिहास को, उनकी सभ्यता, संस्कृति, कलाकृति, हस्तशिल्प और प्रथा को। सो गाइज, अगर आप भुज में हैं तो ऑफ कोर्स कच्छ म्यूजियम अपने आप में ही काफी फेमस है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं टू सी दिस म्यूजियम। दो ऑल्दो यहाँ पे अंदर की साइड देखोगे तो 2 floors ही है, तो काफी छोटा सा ही है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ रखा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कच्छ कल्चर एंड ऑल दिस थिंग्स, देन यू शुड कम ओवर हियर। वैसे तो यहाँ पे 100 rupees में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं एंड 500 rupees में आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर न्यू डेस्टिनेशन। स्वामी नारायण टेम्पल में, दिस टेम्पल इज अ मास्टरपीस अपने आर्किटेक्चर के लिए, और ये नर नारायण एंड स्वामी नारायण भगवान को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ये टेम्पल का आर्किटेक्चर तो सुंदर है ही, तो चलो साथ में हम दर्शन भी करते हैं और आर्किटेक्चर भी देखते हैं।
कहते हैं बहुत पहले की बात है, कुछ भक्त जन श्री स्वामी नारायण जी के पास गए और अनुरोध किया कि भुज में एक मंदिर का स्थापना हो। सुन के भगवान श्री स्वामी नारायण बहुत प्रसन्न हुए और मान गए। एंड ऑन 15 May 1823 मंदिर का उद्घाटन हुआ और पहली मूर्ति भगवान श्री स्वामी नारायण जी ने अपने हाथों से स्थापित किया। 35,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ ये मंदिर बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। देयर आर 7 स्काई टचिंग पिनकल्स, 258 पिलर्स एंड ब्रेथ टेकिंग कार्विंग्स। दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस गाइज, डू कम एंड वॉच द ब्यूटी ऑफ दिस मंदिर। तो गाइस, अब आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह जिसे कुदरत ने खुद बनाया है। आप भी देख के हैरत में पड़ जाएंगे। सो लेट्स गो एंड सी दिस प्लेस। सो गाइस, हम है यहाँ कडियोधारो में, विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। अब ये क्यों है टूरिस्ट स्पॉट? बिकॉज कैन यू सी द नेचर बिहाइंड द रॉक्स एंड एवरीथिंग? This is like the Great Canyon of Georgia, but अपने हिंदुस्तान का। So now just look at this beautiful rock, जो कि carved है with a natural force of water. अब इतना खूबसूरत जगह को आप कैसे मिस कर सकते हैं? ये भुज से 1 घंटे की दूरी पे है and you should definitely come to enjoy this. सबसे best time है in the water season, which is बारिश का time. आप मानसून के time में enjoy कर सकते हैं इसको, but of course अभी धूप बहुत है. But I'm still enjoying this and this is a beauty. So guys, after completing this entire beauty, बहुत ही सुंदर था. I literally enjoyed, but of course बहुत धूप है. It's February, but still the wind is cool, but it's still hot. तो चलो चलते हैं अपने next destination. Let's go. So guys, we are here at the Smriti Van और ये है earthquake museum। यहाँ पे हर चीज के बारे में information दिया है कि earthquake कैसे आता है, क्या है and everything in detail. This looks extremely beautiful. Look at the infrastructure और मैं तो बहुत excited हूँ देखने के लिए. So come with me. स्मृति वन 470 एकर्स में फैला हुआ है एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द भुजाऊ डूंगर, मीनिंग अ स्मॉल हिल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भुज। स्मृति वन प्रोजेक्ट एक श्रद्धांजलि है उन 13,000 अर्थक्वेक विक्टिम्स और उनके फैमिली को जो 2001 में भुज में आया था। और आपको ये भी बता दूं कि ये म्यूजियम सिर्फ एक श्रद्धांजलि प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार भी है। यहाँ मल्टीमीडिया शोकेस, प्रोजेक्शंस, एक्टिविटीज है जिससे आपको बताते हैं कि अर्थक्वेक, सुनामी एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में कि क्या और कैसे होते हैं। Even there are games and interactive activities on post-disaster management, quick reflex on how to tackle such situations actively, emotionally and psychologically. यहाँ पे एक स्टिमुलेटर रूम भी है जहाँ आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है ऑफ द 2001 मैसिव अर्थक्वेक एंड हाउ पीपल फेल्ट एट दैट टाइम। इट्स लिटरली हार्ट ब्रेकिंग टू इवन विटनेस, इवन दो आई नो आई एम ऑन अ स्टिमुलेटर एंड इट्स नॉट रियल। सो इफ यू आर प्लानिंग भुज, आई विल से स्मृति वन इज अ मस्ट विजिट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे हो या बड़े, सभी कुछ अच्छा सीख के ही जाते हैं। भुज के इस शहर में मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला होगा जिसने ये ना कहा हो कि 2001 के भूकंप में उसने अपने किसी को खोया ना हो। दर्द तो आज भी है लेकिन भुज के हर एक शख्स के हिम्मत को मैं सल्यूट करती हूँ।
चाल क्यों बदलू मैं, है बाजी मेरे हाथ में, अंत तक लड़ूंगा मैं, जीत हार बाद में। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी गाइज एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन।